प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब का भी ताल्लुक भिंडी बाज़ार से बड़ा गहरा रहा है। भिंडी बाज़ार जो एक ज़माने में फ़नकारों का, कव्वालों का, शायरों का और फिल्म राइटर्स का बड़ा मरकज़ रहा और यहाँ पर बड़े बड़े फ़नकारों ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी अपने बम्बई में बॉलीवुड में स्ट्रगल का आगाज़ उसकी इब्तिदा भिंडी बाज़ार से की। '1944 में उनके दोस्त अब्दुल हमीद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि अब वो बम्बई जाए और वहाँ बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर स्ट्रगल का आगाज़ करें। तो इसके बाद इस मशवरे को कबूल करके मोहम्मद रफ़ी साहब अब्दुल हमीद के साथ बम्बई आए तो वो भिंडी बाज़ार में उतरे। भिंडी बाज़ार में अब्दुल हमीद साहब ने एक 10x10 फिट का कमरा किराए पर लिया और इस कमरे में मोहम्मद रफ़ी साहब और उनके दोस्त अब्दुल हमीद रहा करते थे। उस ज़माने में दादर में फिल्म स्टूडियोज़ और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ रहा करते थे, जहां म्यूज़िक डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स फिल्मों का काम करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब अपने दोस्त अब्दुल हमीद साहब के साथ मिलकर भिंडी बाज़ार से दादर जाते थे और स्टूडियो में घूमते थे और काम की तलाश करते थे। इस स्ट्रगल पीरियड में वो भिंडी बाज़ार से रोज़ाना बस के ज़रिए दादर पहुंचते थे। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। भिंडी बाज़ार में रहते हुए रफ़ी साहब यहाँ के पकवान और मिठाइयों के भी शौकीन हो गए और जब उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा और उनके फिल्मी दोस्त अच्छी खासी तादाद में बन गए, तब किसी भी रिकॉर्डिंग पर रफ़ी साहब भिंडी बाज़ार के पकवान और मिठाइयाँ लेकर के रिकॉर्डिंग पे जाया करते थे। आरडी बर्मन साहब ने एक बार कहा कि जब भी हमारी कोई रिकॉर्डिंग होती थी तो रफ़ी साहब भिंडी बाज़ार का हलवा लाते थे और हम सब लोग ये हलवा रिकॉर्डिंग के दौरान एक साथ मिल कर के खाते थे। उनका भिंडी बाज़ार से एक रिश्ता यूँ कायम हुआ कि उनकी शादी भिंडी बाज़ार की ही एक फैमिली से हुई और भिंडी बाज़ार मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए रफ़ी साहब की ससुराल भी बन गया।